Good morning friends, welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology, chapter number 24, blood circulatory system of human, lecture number 3. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड कोगुलेशन, और इसमें हमने हमारे ब्लड में क्लॉटिंग कैसे होती है उसके बारे में जाना था कि टिश्यू डैमेज होने पे या प्लेटलेट्स के ब्रेक होने पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में बदल जाता है। यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे ब्लड में एक इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है जिसको एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है, और यही एक्टिव थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है वही फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन फाइबर में बदल जाती है जो ब्लड में इनसॉल्यूबल है, और उसी के कारण हमारे ब्लड की सेल्स इसी फाइब्रिन के जाल में आके फंस जाते हैं जिसके कारण क्लॉट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं कि द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन विच ब्लड फ्लो आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, कि ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता रहे उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ब्लड वेसल्स नॉर्मली तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स इनके होते हैं, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। अगर हम किसी ब्लड वेसल्स को कट करें तो कट करने के बाद इसकी जो वॉल है वह नॉर्मली तीन लेयर की बनी होती है, थ्री लेयर्स इसके अंदर मौजूद होती है टिश्यू की। सबसे ऊपर वाली कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली कहलाती है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाली कहलाती है ट्यूनिका इंटीमा। याद रखना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है यह इलास्टिक कैलोजिन की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया जो है वह अनस्ट्रिप्टेड मसल्स की बनी होती है, जबकि ट्यूनिका इंटीमा जो है वह एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। तो एक एक करके हम बात करते हैं, पहले बात करेंगे आर्टरी की, फिर वेन की, फिर कैपिलरीज की। तो पहले हम बात करते हैं आर्टरी, जिसको हिंदी में हम धमनी कहते हैं। क्या होती है? वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू फार प्लेसेस आर कॉल्ड आर्टरी, कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर अंगों तक लेके जाती है उनको कहते हैं आर्टरीज। याद रखना कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से फार प्लेसेस यानी कि दूसरे ऑर्गन्स तक लेके जाती है, जैसे कि आई लंग्स या ब्रेन, कोई भी ऑर्गन देख लें कि हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने वाली ब्लड वेसल्स को आर्टरी कहते हैं। इनके अंदर ब्लड जो है बहुत ही फास्ट और हाई प्रेशर से फ्लो होता है। इनके बारे में बात करें तो देयर इज ए नो वॉल्व प्रेजेंट इन आर्टरीज बट ओनली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अरोटा ए पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व आर फाउंड, कि आर्टरी के अंदर आपको कहीं पे वॉल्व नहीं होगा लेकिन अरोटा के स्टार्टिंग वाले हिस्से पे आपको पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल्व आपको दिखाई देता है। अरोटा की बात करें तो अरोटा जो है वह हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो प्योर ब्लड को एवरी बॉडी पार्ट तक लेकर जाती है, और कहीं कहीं पे हमारी बॉडी में आर्टरी जो है और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो इन छोटी छोटी ब्रांचेस को आर्टीओल्स कहते हैं। याद रखना आर्टीओल्स क्या है, कि आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई उसको हमने क्या कहा, आर्टीओल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंस की। वेंस जिसको हम शिरा भी कहते हैं है क्या, जरा देखें इसको, कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करती है ऑर्गन से हार्ट की तरफ उनको कहते हैं वेंस। याद रखना कि हमने आर्टरी तो किसको कहा था, जो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड को ले जाती थी, लेकिन ये उसका उल्टा करती है, ऑर्गन से
हार्ट तक ब्लड को लेके आती है वह कहलाती है वेंस। और वेंस भी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसको वेन्यूल्स कहते हैं। याद रखना, हमने ऊपर देखा था कि आर्टरी की जो ब्रांचेस होती है उनको आर्टियोल्स कहते हैं, जबकि वेंस की जो ब्रांचेस होती है उनको वेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। हमने बात की थी कि आर्टरी के अंदर कोई वॉल्व नहीं होता, लेकिन वेंस के अंदर लोअर पार्ट ऑफ लॉन्ग वेंस हैव ए वॉल्व ऑफ ए डिफरेंट प्लेस, कि आपके लोअर पार्ट नीचे वाला हिस्सा जो वेंस का होता है वहाँ पे अलग अलग जगह पे वॉल्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं कि ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकने का काम करते हैं। हमारी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में प्री केवल एंड पोस्ट केवल जो है सबसे बड़ी बिगेस्ट वेन पाई जाती है, जो क्या करती है इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम करती है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसी CO2 वाले ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम करती है प्री केवल एंड पोस्ट केवल वेन। पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड टू द हार्ट, ये एक एक्सेप्शन है। याद रखना कि हमारी बॉडी में जितनी भी वेंस होती है उन वेंस में केवल कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो हार्ट में प्योर ब्लड को ले जाती है। और ये पल्मोनरी वेन निकलती कहाँ से है, लंग्स यानी कि फेफड़ों से निकलकर हार्ट में जाती है, जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, एक्सेप्शन क्या है इसका वेंस का, कि पल्मोनरी वेन जो है प्योर ब्लड को कैरी करती है जबकि दूसरी सारी वेंस इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तीसरी ब्लड वेसल्स आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, ये बहुत ही थिनेस्ट ब्लड वेसल्स है जिसका डायमीटर 4 to 10 माइक्रोमीटर का होता है, और ये कैपिलरी का एक बड़ा सा नेटवर्क बनाती है जो पूरी बॉडी में फैला होता है। कैपिलरी परमीएबल होती है वाटर और सॉल्यूट के लिए, जो हमारे टिश्यू के साथ एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस बिटवीन बॉडी एंड बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। के टिश्यू के अंदर कोई कह सकते हैं कि सब्सटेंस, आयन वगैरह जो भी सेल्स के अंदर होते हैं वह ब्लड में लाने का काम कैपिलरीज करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। तो पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की और बाद में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की ह्यूमन हार्ट की। तो बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन एंड इट्स साइज टू सिमिलर ह्यूमन क्लोज फिट, के ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका जो साइज़ है वह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम मीसोडर्म, हमारे जो एम्ब्रियो में मीसोडर्म होती है उससे ह्यूमन हार्ट बनता है, एंड सिचुएटेड इन मीडियास्टिनल स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स, के दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों लंग्स के बीच में जो जगह होती है उसको मीडियास्टाइनल स्पेस कहते हैं, वहाँ पर हार्ट पाया जाता है। हार्ट का जो एवरेज वेट देखें तो वह 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल होता है। ह्यूमन हार्ट जो है वह डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड घिरा हुआ होता है जो पेरीडर्म कहलाती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। याद रखना कि मैंने कहा कि यह ह्यूमन हार्ट जो है डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन है जिसके बाहर वाली डबल मेम्ब्रेन को पेरिडर्म कहते हैं, लेकिन अगर दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, तो दोनों के बीच में जगह भी होगी, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह को पेरिकार्डियम स्पेस कहते हैं, और इसी स्पेस में एक लिक्विड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, एपिडर्म, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। याद रखना कि जो हार्ट की वॉल है वह 3 लेयर की बनी होती है। याद रखना ह्यूमन हार्ट डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल है, लेकिन उसके हार्ट की लेयर को कट करते हैं तो 3 लेयर मिलती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम
एंड एंडोकार्डियम, और तीनों को कंबाइन फॉर्म में कहते हैं पेरिकार्डियम। याद रखना, पेरिकार्डियम कंबाइन फॉर्म है, जबकि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम अलग अलग लेयर के नाम हैं। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। हार्ट जो है एक टाइप की मसल्स का बना होता है, कार्डिक मसल्स का, जिसके बारे में हम एक अलग चैप्टर में मसल्स को पढ़ेंगे, तो हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आपको याद रखना है कि हार्ट जो है कार्डिक मसल्स का बना होता है, और कार्डिक मसल्स की यह खासियत होती है कि ये कभी थकती नहीं है, ये कंटिन्यू पंप करता रहता है जन्म से लेके मृत्यु तक। कह सकते हैं इनकी मसल्स में कभी थकान नहीं होती है। अब बात करते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से हमको हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये यहाँ पे कौन से वॉल्व है, क्या क्या इसकी खासियत है और कैसे इनके फंक्शन होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की, कि ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। देयर आर ए फोर चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। टू अपर थिन वॉल्ड चैम्बर इज कॉल्ड ऑरिकल एंड टू थिक वॉल्ड चैम्बर इज कॉल्ड वेंटिकल। कि ह्यूमन हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वन एंड टू, उनको कहते हैं ऑरिकल, यानी कि राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। इसी तरीके से नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले क्या बताया मैंने कि ह्यूमन हार्ट फोर चैम्बर में डिवाइड होता है, ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ए ग्रूव प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल विच सेपरेट ईच अदर विच इज़ नोन एज कोरोनरी सल्कस। के यहाँ पे एक दरार के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग अलग करता है। उस ग्रूव यानी कि दरार को कहते हैं कोरोनरी सल्कस। याद रखना, कोरोनरी सल्कस क्या है कि एक ग्रूव के जैसा स्ट्रक्चर, दरार नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस। इसी प्रकार इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो है वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, जबकि इंटर ऑरिकुलर सल्कस जो है ऑरिकल्स को एक दूसरे से अलग अलग करने का काम करता है। मैंने आपको पहले चीज़ तो बताई कि ये जो कोरोनरी सल्कस था, कोरोनरी सल्कस तो ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग करता था, लेकिन मैंने कहा कि दो वेंट्रिकल होते हैं, दो ऑरिकल्स होते हैं, तो दोनों ऑरिकल्स को अलग करने वाला स्ट्रक्चर कहलाता है इंटरनल ऑरिकली सल्कस, इंटरनल ऑरिकुलर सल्कस, और इसी तरीके से इंटरनल वेंट्रिकुलर सल्कस दोनों वेंट्रिकल को अलग अलग करता है। याद रखना, वेंट्रिकल एंड ऑरिकल को अलग करने वाला इंटर ऑरिकुलर और इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस है, जबकि ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला कोरोनरी सल्कस है। फोर पल्मोनरी वेंस कैरी ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड टू लेफ्ट ऑरिकल। अगर आप लेफ्ट ऑरिकल की बात करें, ऑरिकल होता है हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा, तो लेफ्ट ऑरिकल में आपको 1, 2, 3 एंड 4, ये चार पल्मोनरी वेंस जो है वो क्या करती है कि प्योर ब्लड को हार्ट में लाने का काम करती है, और प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। अदर देन द हार्ट वॉल ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाई प्री केवल एंड पोस्ट केवल इन टू राइट ऑरिकल। मैंने कहा कि जो लेफ्ट ऑरिकल था उसमें तो पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड लेके आती थी, लेकिन राइट ऑरिकल में क्या होता है कि हार्ट वॉल को छोड़ के प्री केवल और पोस्ट केवल जो है पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, वह हार्ट में लाती है। कहाँ? राइट ऑरिकल में। याद रखना, राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आता है। लाता कौन है? प्री केवल एंड पोस्ट केवल।
ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा है यह प्री केवल और पोस्ट केवल ही कहलाती है, जो पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को इस राइट वाले ऑरिकल में लाने का काम करता है। इसके ये दो पार्ट यहाँ पे खुले हुए होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इसका बनता है कि ह्यूमन की हार्ट वॉल से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में कौन लाता है? तो आपको बताना पड़ेगा कोरोनरी वेन एंड कोरोनरी साइनस। जहाँ पे कोरोनरी शब्द आए वहाँ पे आपको याद रखना है कि वह हार्ट से ही ब्लड को हार्ट में डाल रहा है। तो मैंने बताया आपको कि प्री केवल और पोस्ट केवल जो थी वो क्या करती थी, हार्ट वॉल को छोड़ के दूसरे सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में ला गई थी। लेकिन हार्ट वॉल से इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कोरोनरी वेन और कोरोनरी साइनस करता है। अब मैंने बता दिया कि ये जो राइट ऑरिकल था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया था और यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से ये इस वाले स्ट्रक्चर में जाने के बाद दोनों तरफ के लंग्स में चला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को दोनों अपनी तरफ के लंग्स में ले जाने का काम करता है। और जब वह लंग्स में पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन मिक्स होकर वह प्योर ब्लड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पल्मोनरी ट्रंक कम्स इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है जो टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं और यह इम्प्योर ब्लड को अपनी साइड के लंग्स में, फेफड़ों में ले जाने का काम करती है। द बिगेस्ट आर्टरी लेफ्ट एरोटा कम्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विच कैरी द प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट हार्ट। कि हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, मैंने राइट वेंट्रिकल की भी बात की थी, वो तो इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम कर रहा था। लेकिन वापस हम आते हैं लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ आपको एरोटा नाम का स्ट्रक्चर वेंट्रिकल से निकला हुआ दिखेगा, जो क्या करता है, हार्ट को छोड़ के दूसरे सभी अंगों तक, ऑर्गन तक प्योर ब्लड ले जाने का काम करता है। तो बात आई कि हार्ट में प्योर ब्लड कौन पहुंचाता है, तो कोरोनरी आर्टरी जो है वह प्योर ब्लड को हार्ट में सप्लाई करने का काम करती है। आप इसमें देख सकते हैं ये कहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, जिससे ये एरोटिक आर्च निकलता है जो आके पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को ले जाने का काम करता है। बात करते हैं ऑल द फोर चैम्बर्स सेपरेटेड बाय सेप्टा एंड वॉल्व, के सारे जो फोर चैम्बर होते हैं, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, यह सेप्टा या वॉल्व से सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ओवल पिट ऑन द इंटर ऑरिकल सेप्टा इज फाउंड विच इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस, बट इन एम्ब्रियो ए होल इज फाउंड इन इट्स प्लेस विच इज नोन एज फोरामन ओवेलिस। याद रखना कि जो ऑरिकल है, ऑरिकल को डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, कि ये जो हार्ट है, ये हार्ट में ऑरिकल है राइट वाला और लेफ्ट वाला, इनके बीच में एक गड्ढा पाया जाता है जिसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो इसी जगह पर एक छेद पाया जाता है जिसको फोरामन ओवेलिस कहता है और इसी फोरामन ओवेलिस से दोनों ऑरिकल का ब्लड एक दूसरे से मिक्स होने लगता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो यह ढक जाता है और ढकने के बाद यह फोसा ओवेलिस बन जाता है, केवल गड्ढे के जैसा ही स्ट्रक्चर इसमें केवल दिखाई देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पर एक गड्ढा पिट पाया जाता है जिसको फोसा ओवेलिस कहते हैं, जबकि एम्ब्रियो में उसकी जगह पे गड्ढा एक होल होता है जिसको फोरामन ओवेलिस कहते हैं। अब बात करते हैं बाइकप्सिड, जिसको माइट
ट्रल वॉल्व भी कहते हैं, वह लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है, जबकि ट्राइकप्सिड वॉल्व जो है वह राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है। अभी तो मैंने ऑरिकल की बात की थी, अब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी कुछ वॉल्व होते हैं, उसको हमको देखना है। याद रखना, बाई कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड वॉल्व कहाँ कहाँ होते हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि राइट वाले हिस्से में आपको तीन वॉल्व दिखाई देते हैं जिसको ट्राई कस्पिड वॉल्व कहते हैं, जबकि लेफ्ट वाले हिस्से में दो ही दिखाई देते हैं जिसको बाई कस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये दोनों बाई कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड वॉल्व में कह सकते हैं कि ये ब्लड को कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे रोकने का काम करते हैं, क्योंकि ये वॉल्व इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं। अब बात करते हैं सेमी लूनर वॉल्व, जिसको अर्धचंद्रकार वॉल्व भी कहते हैं। ये क्या है कि एरोटिक आर्च के स्टार्टिंग पॉइंट पे मौजूद होता है, जो क्या करता है, वापस ब्लड को वेंट्रिकल में आने से रोकता है। कि ये आप एगोटिक आर्च देख सकते हैं, इस एगोटिक आर्च के यहाँ पर आपको सेमी लूनर वॉल्व दिखाई देगा जो वापस वेंट्रिकल में ब्लड को आने से रोकेगा, यानी कि ब्लड वेंट्रिकल से सीधा एगोटा में जाएगा, एगोटा से वापस यहाँ नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसी प्रकार से मस्क्यूलर स्फिंक्टर भी पाया जाता है, एक वॉल्व की तरह ही होता है जो वेना केवा और पल्मोनरी वेन के बीच में मौजूद होता है। बात करते हैं मसल्स की, तो वेंट्रिकल्स की मसल जो है बहुत ही ज़्यादा थिक मोटी होती है, जो क्या करती है, पेपिलरी मसल्स के नाम से जानी जाती है। याद रखना कि पेपिलरी मसल्स कहाँ पे होती है, तो आपको बताना पड़ेगा वेंट्रिकल की मसल्स है ऑरिकल के कंपैरिजन में मोटी होती है, जिसको पेपिलरी मसल्स कहते हैं। एंड द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थ्री टाइम थिकर देन राइट वेंट्रिकल, कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो दीवार है, वॉल है, वह तीन गुना ज़्यादा मोटी होती है राइट वेंट्रिकल से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है बॉडी के सभी ऑर्गन तक ब्लड को सप्लाई करना, जबकि राइट वाले का काम केवल लंग्स तक ही ब्लड को सप्लाई करना होता है। इसलिए क्या है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की दीवार थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वह है वर्किंग ऑफ हार्ट। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।